बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 13 ऑफ चैप्टर नंबर 12। हम पढ़ाए थे एप्लीकेशन ऑफ लेंजेस, इसमें हमने सबसे पहले देखा था कैमरा। आज का हमारा टॉपिक है स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि किसी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाती है। ऑब्जेक्ट बेसिकली नेगेटिव की फॉर्म में होता है। अगर आप कभी तस्वीर उतरवाने जाएँ तो वो आपको मतलब एक नेगेटिव भी आपकी तस्वीर के साथ देता है। वो नेगेटिव वो फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिसके ऊपर आपकी तस्वीर परमानेंट तौर पे छपी भी होती है लाइट के एक्सपोजर की वजह से। तो डेफिनेशन देखते हैं, एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू प्रोजेक्ट रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज साइज इमेज। इससे पहले हमने कैमरा पढ़ा था, वो रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश इमेज बनाता था। तो अब हम देखते हैं कि ये इस किस तरह से मतलब काम करता है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में स्लाइड प्रोजेक्टर के एक कनकेव मिरर लगा होता है। कनकेव मिरर के, अब इस बात को आपने ध्यान से समझना है, प्रिंसिपल फोकस पर यहाँ पर एक लाइट सोर्स लगी होती है। लाइट सोर्स इसके ऊपर लाइट फेंकती है और ये कनकेव मिरर लाइट रेस को पैरेलल कर देता है, मतलब उसको एक डायरेक्शन दे देता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉन्डेंसर लेंस। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये प्लेनो कॉन्वैक्स लेंस है। ये दो प्लेनो कॉन्वैक्स लेंस एक्ट कर रहे हैं एज अ कॉन्डेंसर लेंस। अब कंडेंसर लेंस का भी वही काम है जो कनकेव मिरर का है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा इससे मॉडिफाई कर देते हैं। जो लाइट यहाँ से आ रही थी उसको मतलब बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रेज में। अब ये बात आपने बहुत ध्यान से समझनी है, जो आपके पास आपकी तस्वीर का नेगेटिव था या जो आप फिल्म अगर कोई प्ले कर रहे थे, तो वो जो स्लाइड होती है वो पहली बात तो ये कि आप इन्वर्टेड डालते हो, मतलब अपसाइड डाउन डालते हो, और दूसरी बात यह कि उसको लेटरली इन्वर्टेड भी डालते हो। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि लेफ्ट साइड राइट साइड और राइट साइड लेफ्ट साइड बन जाती है। ये मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। तीसरी बात यहाँ पे नोट करने वाली है जो बहुत अहम है, कि ये जो स्लाइड है और ये जो लेंस है, ये स्लाइड आपने ऐसे रखी होती है कि ये बिटवीन एफ और 2F पड़ी है इस लेंस के, मतलब इस स्लाइड का डिस्टेंस फ्रॉम लेंस उसकी फोकल लेंथ के हाफ से ज़्यादा होता है और डबल से कम होता है। आपको पता है कि फोकल लेंथ से ज़्यादा होता है और डबल से कम होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड 2F रखते हैं तो उसका रियल इन्वर्टेड और लार्ज इमेज बनता है बियॉन्ड 2F। तो इसीलिए हमने स्लाइड को एक तो उल्टा डाला है और इसको रखा है बिटवीन एफ एंड 2F ऑफ दिस लेंथ। फर्क करें इसके, अगर आपके पास फोकल लेंथ है 10 तो फोकल लेंथ का डबल होता है 20, 10 और 20 के हाफ कर लें, उसके बीच में आप इसको रखेंगे 10 से आगे और 20 से पीछे, और इमेज कहाँ बनेगा बियॉन्ड 2F, कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड और लार्ज। अब देखें, आपने स्लाइड उल्टी डाली थी लेकिन यहाँ इमेज बन रहा है सीधा, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आपको नज़र आ रही है राइट हैंड साइड। वजह ये होती है कि जो इमेज है उसने बाद में उलटना ही था। अगर आप स्लाइड सीधी डाल देते तो इमेज ने उल्टा बनना था, तो ये अपसाइड डाउन हो जाती है, लेकिन आपने पहले ही स्लाइड अपसाइड डाउन डाली है तो वो डाउन साइड वहाँ जाके अप हो गई, तो आपको दीवार पे जो उसका इमेज नज़र आ रहा है वो सीधा नज़र आ रहा है। तो ये जो लेंस और ये जो स्लाइड यहाँ पे आपने रखी है, इसका डिस्टेंस 2F से ज़्यादा होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो इमेज प्रॉपर सही तरह से नहीं बनेगा। स्लाइड प्रोजेक्टर से रिलेटेड एक और टॉपिक भी है आपकी बुक में, तो उसका भी सेम यही प्रोसीजर है। ये लेटरल इन्वर्टेड वाली बात भी आई होप आपको समझ आ गई होगी कि क्यों हमने उल्टी डाली है और लेफ्ट साइड राइट साइड और राइट साइड लेफ्ट साइड क्यों है। अच्छा, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड को समझने के लिए आप शीशे के सामने खड़े हों, आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करें, आपको लगेगा राइट हैंड रेज हुआ है। इसीलिए हमने स्लाइड को एक तो इन्वर्टेड रखा था और लेटरल इन्वर्टेड भी रखा था, क्योंकि जो इमेज बना वो इन्वर्टेड हो गया, उलट का उलट सीधा हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड दोबारा बोर्ड पे जाके राइट हैंड साइड बन गई और हमें इमेज बिल्कुल सीधा नज़र आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।